बेटियों को जन्म देना अनीता के लिए गुनाह क्या बना, आज वो खुद गुनाहगार बन बैठी। हंसती खेलती अपनी दो मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दी। बच्चियों को जब बाहर निकाला गया तो वे मर चुकी थी। 6 साल की सोनम और 5 साल की परी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मां अनीता को गिरफ्तार कर लिया, वहीं उसके पति अर्जुन यादव को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में जो मामला उभर कर सामने आया उसके अनुसार वक्त और हालात ने अनीता को ऐसा मजबूर किया कि आज वह कातिल बन गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। करीब 2 साल पहले अनीता को उसके पति ने छोड़ दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अलग अलग तारीख में 3 बेटियों को जन्म दिया था। पति के छोड़ जाने के बाद उसकी माली हालत भी बिगड़ गई थी। ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था। मायके वाले भी खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आते थे। वह इतनी दुखी हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी और उसके बेटियों की शेष जिंदगी कैसे कटेगी। सुने मासूम बेटियों को मारने के बाद क्या बोली अनीता। कैथोलिक पैसे कोई करने के वाला फोन तो ना कर रहा है। यह जो दिन पकड़ा लिया डेढ़ से कच्चे तरह का घर में अपना सिलेंडर नहीं आप कोई नहीं तो कुछ कर डाला। बाप माई देखते हैं दिवाली के ना तो कोई देख ली सिलेंडर नहीं कहने वो पैसे को बेटी नहीं लगा दी सब बाप बहने वाले 3 साल से नहीं घर नहीं 4 साल से और दूसरा शादी कर ले हैं और दूसरा शादी कर रहे बारे आज खुश रहे कुछ नहीं करे भगवान की दूसरे के जाम ना तो भैया पकड़ के मैं जमा ना तो उन्हें रखूँ। कोहराम लाइव के लिए पलामू से संतोष की रिपोर्ट।